हेलो जी नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। मैं कविता पन नवी मुंबई से और स्वागत करती हूँ आपके नए वीडियो नए व्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ, मतलब हम लोग तीन चार लोग हैं, मुंबई लोनावला। वहाँ है एकवीरा मंदिर, तो वहाँ जा रही हूँ। सुबह सुबह घर से 5 बजे निकल चुकी हूँ और 5 बजे मैं सोसाइटी में आ गई हूँ। वो दीदी का वेट कर रही हूँ, वो आ जाएंगी तो हम सीधे स्टेशन के लिए निकल पड़ेंगे। हम चार लोग जा रहे हैं, दो एक नम्रता मैम है, एक भाभी है और एक दिल्ली वाली दीदी है। तो हम चार जने जा रहे हैं। यहाँ हम थाने पहुँच चुके हैं। थाने पहुँचने के बाद अब यहाँ से पैसेंजर ट्रेन से जाएंगे। मैं इससे पहले लोनावला नहीं गई हूँ, घूमने के लिए भी नहीं गई हूँ, ऐसे भी नहीं गई हूँ कहीं। तो अभी देखते हैं। और वहाँ का मंदिर की बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है बोलते हैं, इसलिए आज जा रहे हैं। पहुंच गए लोनावला। अब यहाँ से देखते हैं कि आगे को कैसे जाना है, क्या जाना है। आज पहली बार ही है, ये लोग तो आए हैं पहले, वैसे घूम के गए हैं मंदिर, पहली बार जा रहे हैं तीनों, हम चारों मतलब। हम पहुंच चुके हैं एकवीरा मंदिर। अब यहाँ से सीढ़ी आगे से 200-300 लगभग कुछ। मैम नी दीदी, एक तरफ से जाने वाला है, एक तरफ से आने वाला है मंदिर। जाते आते जय माता दी बोलते जाओ। ये रही एकवीरा मंदिर की चरण पादुकाएं। पर अच्छा लग रहा है अभी तो। मम्मी चप्पल उतार। दूर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की। बहुत दूर है। जय माता दी जय माता। जय माता रानी। आओ आओ आराम से आओ, लाओ मुझे दे दो, फिर मेरे को दे देना। मैं नहीं तो क्यों देखिए पहुंच चुके हैं एकवीरा मंदिर। आई एकवीरा, महाराष्ट्र में माँ को आई बोलते हैं, तो आई माँ एकवीरा का मंदिर। हम जाके बताते इतनी है तो कितना दुख होता है। अरे ये कौन है माता हाथ पिल्ले दे दे।
चुनरी ले आंख दो मैया गुन में मेरी मैया माने वाली। दर्शन हो गए हैं और इतनी अच्छे से दर्शन हुए ने, बहुत आराम से और बहुत अच्छी जगह, बहुत शांत जगह। टर्न भी हो रहा है, मुंडन भी हो रहा है यार, यहाँ मुंडन हो रहा है बच्चे का। जय माता रानी। तो जगत की जननी है माँ, मेरे क्या औकात है, बस इतनी तनख्वाह देना मेरा सुखी रहे परिवार। दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार, मैं तो तेरे काबिल नहीं हूँ मैया, फिर भी काम चला लेना जैसे है हम ते। ये रहा महावीर बुद्ध का परिसर, कारला की गुफाएं, और 25 रुपए टिकट है इधर गुफाओं का। दस बज के 10 मिनट। अच्छा तो काफ़ी टाइम है, देख लो भाई कहाँ जाना। टाइगर पॉइंट देख ले, कभी कभी देखना। किधर है टाइगर पॉइंट? की जय जय हो क्या है? छोटी सी बच्ची है यार, मम्मी सोई थी ना, सोई है यार, मस्त मजे से। और एक है पीछे। हाँ क्या नाम है? जुड़वा। जुड़वा तो था। इसी के वो जुड़वा है क्या? वो बॉय। अच्छा बॉय एंड गर्ल है। अच्छा कितने महीने की हो रही है अभी? 7। जय माता रानी। ये जुड़वा अब भाई जा रहा है उसका, तो अच्छे से ले जा रहे हैं, कुछ मन्नत मांगी होगी वगैरह रही होगी कुछ तो। बच्चे को वीडियो बनानी, क्योंकि मैं ना आगे रास्ते में गिर गई, बहुत ज़ोर से लग गई हाथ में, मेरी गलती थी शायद, बहुत गलत सोच। हेलो जी दोस्तों, तो ना मैं 2:30 बजे घर आए, हम टैक्सी करके आए, और मंदिर से दर्शन तो बहुत अच्छे उसे हो गए थे मतलब, और 3-4 बजे की ट्रेन थी लोकल की, तो हमको घर आते आते 8-9 बज जाता, इसलिए हमने वहाँ से सीधे टैक्सी करी लोनावला टू नवी मुंबई। तो हम 4 लोग गए थे, तो हम लोग दिल्ली वाली भाभी और नम्रता मैम, तो हम लोग 4 लोग गए थे, तो दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गए हैं, और बहुत अच्छी जगह है लोनावला, और मानसून में ज़्यादातर लोग जाते हैं उधर घूमने फिरने के लिए, झरना वरना सब बहुत अच्छा आता है। आज तो गर्मी बहुत थी और घूमने का इतना वो नहीं हो गया था, तो इस वजह से खाली मंदिर के दर्शन करके हम लोग घर आ गए हैं, तो बहुत अच्छा रहा। तो आपको थोड़ा, मेरे को ये हो गया था कि नीचे को आते टाइम ना वीडियो बना नहीं पाई, थोड़ा सा फिसल गई तो हाथ और कमर पर लग गया, इतना हो गया था। और जो लोनावला की फेमस चीज़ है वो आप सबको दिखाती हूँ, तो वीडियो को ना प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, धन्यवाद। हाथ पे लग गया इतना,
और थोड़ा कमर पे, सीढ़ी बहुत फिसलन वाली है वो, तो बारिश में तो मत ही जाना। वैसे लोनावला बहुत सुंदर जगह है, बहुत बढ़िया है। लोनावला की फेमस चीज़ दिखाती हूँ, वो लेके आई, मतलब खोबरा बोलते हैं नारियल को, उसको गोले को, जो सूखा गोला रहता है ना, कच्चा वाला तो वो रहता है जैसे नारियल पानी में रहता है कच्चा वाला, और चटनी बनाने के लिए लाते हैं कच्चा वाला, और पूजा में भी लज्जू लगता है नारियल तोड़ के। और ये सूखा खोबरा, सूखा गोला वाला, और मैं दो ये लेके आई हूँ चंदन का टीका लगाने के लिए, जैसे वृंदावन में भी देखा होगा ना आपने, यो सेप में ये, बस यही लेके आई हूँ।